तो अगर आप लोग भी सैमसंग का गैलेक्सी A54 परचेस करने जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड करना कि मुझे कौन से वाले फोन्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि गाइस अभी मार्केट में हो ये रहा है कि हमें बहुत सारे फोन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं सैमसंग के फोन की, अभी जो सैमसंग के फोन्स में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रही है किसी भी बायर को फोन परचेस करने में, अगर उनका बजट जो है 40,000 के अंदर है, तो फिर आप लोगों में से काफी सारे लोग कंफ्यूज है गैलेक्सी A54 लेना चाहिए या फिर गैलेक्सी S21 5G। जैसे कि अगर मैं बात करूं सैमसंग का A54 ऑनलाइन प्राइस के 38,999 रुपए में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वहीं अगर मैं बात करूं गैलेक्सी S21 FE के प्राइस की, तो वो ऑनलाइन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 39,999 रुपए में। इन दोनों में सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच फीचर्स गैप बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं और आप लोगों से इन दोनों फोन्स के बारे में सारी बातों को शेयर करने वाला हूं कि अगर आप लोग 1,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं S21 FE 5G में, तो आप लोगों को A54 के मुकाबले क्या क्या अलग देखने को मिल रहा है जो कि A54 में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो शुरू करता हूं मैं इसके डिजाइन्स एंड लुक से। तो एक तरफ है गैलेक्सी S21 FE 5G जो कि प्लास्टिक बैक और मेटालिक फ्रेम के साथ हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है गैलेक्सी A54 5G जिसमें हमें प्लास्टिक फ्रेम और फ्रंट और बैक दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन A54 का कैमरा लेआउट थोड़ा सा सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन जैसा देखने को मिलता है, जैसे कि गैलेक्सी S23 सीरीज। लेकिन वहीं बात किया जाए गैलेक्सी S21 FE के बारे में, तो इसका कैमरा लेआउट थोड़ा सा 2021 के सैमसंग के फ्लैगशिप फोन की याद दिलाता है। और अगर फ्रंट से आप लोग इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखेंगे, तो आप लोगों को A54 में बेजल्स और चिन थोड़े ज्यादा मोटे हम लोगों को देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू गैलेक्सी S21 FE 5G। और दोनों ही फोन में 6.5 इंच का 1080p 120Hz एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन HDR10+ सर्टिफाइड है। तो अगर आप लोग कंटेंट कंजप्शन करते हैं इन दोनों ही फोन में, तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और वही बात किया जाए इन दोनों के ब्राइटनेस के बारे में, तो A54 में हमें 1000 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, वहीं S21 FE के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर हमें 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं गाइस इसके कैमरा के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो A54 में 50+12+5 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वहीं S21 FE में 12+8+12 का हमें कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो अगर पिक्सल काउंट की बात की जाए, तो यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है कि A54 S21 FE से बेटर निकलता है। लेकिन अगर बात किया जाए कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो S21 FE है वो A54 के मुकाबले काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोग A54 में 4K तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 30 FPS तक ही। लेकिन अगर बात किया जाए गैलेक्सी S21 FE 5G के अंदर, तो इसमें आप लोग फ्रंट हो या फिर बैक कैमरे से आप लोग 4K 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस फोन से तो आप लोग 8K में 30 FPS तक वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 1080p ही है, लेकिन हाँ आप लोग इस फोन में ये काम भी कर सकते हैं जो कि A54 में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि A54 में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो सिर्फ 4K 30 FPS तक ही रिकॉर्डिंग और प्लेबैक कर सकता है। और भी छोटे छोटे फीचर्स, जैसे कि आप लोग प्रो मोड में वीडियो को शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो हो गया या फिर सिंगल टेक जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, वो आप लोगों को इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं किसी भी फोन के सबसे मेन चीज के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस। एक तरफ है A54 जिसमें सैमसंग ने यूज किया है एक्सिनोस 1380 चिपसेट को, और दूसरी तरफ है S21 FE 5G जिसमें सैमसंग ने यूज किया है एक्सिनोस 2100 को, जो कि 2021 में सैमसंग ने अपने S21 सीरीज में इसको यूज किया था। तो एक तरफ है मिड रेंज CPU, दूसरी तरफ है फ्लैगशिप CPU। तो अगर बात किया जाए गैलेक्सी S21 FE के CPU के बारे में, तो ये A54 के CPU से हर मामलों में आगे है, जैसे कि GPU हो गया, क्लॉक स्पीड हो गया वगैरह वगैरह। और दोनों ही फोन में Android 13 One UI 5 चल रहा है, और Android 14 One UI 6 का अपडेट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। और सच बताऊं तो डे बाय डे यूसेज में आप लोगों को एज सच पता भी नहीं चलेगा इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन जैसे ही आप लोग इन दोनों फोन्स में हेवी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो S21 FE का जो परफॉर्मेंस है A54 के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर निकल कर आएगा बिकॉज ऑफ बेटर चिपसेट एज कम्पेयर टू A54। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि गैलेक्सी S21 FE 5G जो है वो एक साल पुराना फोन है, यानी कि एंड्रॉइड 12 पर लॉन्च हुआ था, और सैमसंग ने अभी कुछ सालों से ऐसा किया है कि अपने जितने भी सारे फोन है मिड रेंज हो गए या फिर फ्लैगशिप हो गए, उन सारे फोन में सैमसंग ज्यादातर 4 साल के OS अपडेट्स को प्रॉमिस कर रहा है। इन दोनों फोन में भी वो चीज अप्लाई होती है, जैसे कि S21 FE जो है वो पिछले साल एंड्रॉइड 12 पर लॉन्च हुआ था, इस साल एंड्रॉइड 13 इसने पहला अपडेट को रिसीव कर लिया है, और इसके अंदर 3 और OS अपडेट अभी मिलने बाकी है। लेकिन वहीं देखा जाए A54 के बारे में, तो A54 इस साल का सैमसंग का मिड रेंज फोन है जो एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च ही हुआ है, और इसको अभी 4 और OS अपडेट मिलने बाकी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गैलेक्सी S21
A71 FE जो है A54 के मुकाबले एक OS अपडेट कम रिसीव करेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है A54 को परचेस करने का। और बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो A54 में हमें 5000 mAh की बैटरी और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं S21 FE में 4500 mAh आवर की बैटरी है और इसको भी आप लोग 25 वाट के फास्ट चार्जिंग से आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। हाँ, ये और बाकी सारे ब्रांड्स के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, लेकिन सैमसंग इसको फास्ट चार्जिंग ही कहता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों ही फोन्स में आप लोगों को एज सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात किया जाए गेमिंग के अंदर तो वहां पर A54 में आप लोगों को थोड़े से ज्यादा प्ले टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और ये तो हो गया बेसिक फीचर्स इन दोनों फोन्स के बारे में जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और अब बात करता हूं मैं कि लगभग सेम प्राइस में आप लोगों को इन दोनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैंने 9 डिफरेंसेस को शॉर्ट लिस्ट किया है। सबसे पहले की बात करते हैं, S21 FE में ज्यादा बेटर डिस्प्ले को यूज किया गया है। 200 निट्स ब्राइटनेस भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू A54। चिपसेट ज्यादा बेटर है S21 FE 5G में। ज्यादा बेटर कैमरा आप लोगों को S21 FE में देखने को मिलता है अगर पिक्सल काउंट को साइड में रखा जाए। हाँ, ये बात और है कि आप लोगों को A54 में 50 मेगापिक्सल का आप लोगों को मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। ऑडियो ज्यादा बेटर है S21 FE में एज कम्पेयर टू A54। वहीं अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो गैलेक्सी S21 FE में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 7 यानी कि विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं गैलेक्सी A54 के अंदर तो इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का ही प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। S21 FE में आप लोगों को सैमसंग डेक्स नाम का फीचर्स देखने को मिलता है जो कि A54 से मिसिंग है, और ये A54 में कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि ये जो है सैमसंग का फ्लैगशिप फोन का फीचर्स है। ये फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और साथ ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इस मामले में A54 आगे निकल जाएगा एज कम्पेयर टू S21 FE क्योंकि इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी को यूज किया गया है। और A54 एक और चीज में आगे निकलता है जो कि है OS अपडेट जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया। तो गाइस अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को लगभग सेम प्राइस में 500 mAh ज्यादा बैटरी, एक एक्स्ट्रा OS अपडेट और 50 MP का मेन कैमरा सेंसर या फिर ओवरऑल आप लोगों को बेस्ट पैकेज चाहिए जो कि S21 FE आप लोगों को लाकर देता है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे इन दोनों फोन्स में कौन से फोन्स को पिक करना होता तो मैं कौन से वाले फोन्स को परचेस करता, तो मेरा यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है गैलेक्सी S21 FE क्योंकि इसमें अप्रॉक्स सेम प्राइस में काफी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि A54 से हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों ही फोन्स में किसी भी फोन को परचेस करना है, इन दोनों ही फोन्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो में। गुड बाय।